बांदा में बालाजी ट्रांसपोर्ट की बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बबेरू के अलीहा के पास अचानक एक साइकिल सवार बस के सामने आ गया, जिसको बचाने में बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिससे बस में सवार सभी यात्री बस के नीचे दब गए। वहीं सूचना पर डीएम एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। अभी तक देखिए 3 लोगों की मृत्यु की जानकारी है, 3 मृत्यु हुई, बाकी करीब 18 से 19 लोगों का इलाज चल रहा है। और भी सर कहीं भर्ती हैं कुछ लोग? नहीं सर, भर्ती हैं 4 लोग बबेरू में भर्ती हैं, जो अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है। बांदा में कितने भर्ती हैं सर? बांदा में अभी 18, क्योंकि एक और टेम्पो पलटने की भी घटना हुई थी, इसलिए दोनों मरीज एक साथ आए हैं, तो लगभग 18 उसके हैं और 4 बबेरू में उनके 22 लोग घायल हैं। ठीक ठीक, 3 के मृत्यु। फिलहाल पुलिस ने घायलों को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।